मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू टुडेस व्लॉग। आज चले अपन छोटा भाई जान के साथ बैडमिंटन खेलने। सो ये रहेगा आज का मॉर्निंग रूटीन एंड थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लेंगे। वैसे कल इसने मेरा चैनल हाईजैक कर लिया था। काई को रे, काई को किया हाईजैक मजे को। ओके सो सी यू गाइस। It's badminton when people are playing it really bad. So badminton के बाद आ गए अपन ये outdoor gym में workout करने के लिए। So done with today's routine. बैडमिंटन खेलने के बाद हम गए थे वर्कआउट करने एंड अभी वॉक करके जा रहे वापस घर। सो आई विल कीप यू पोस्टेड हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। यू विल बी एबल टू सी दैट। स्टे ट्यून्ड गाइस। आज अस्सी निकालेंगे गड्डी। हाँ अड़किन महंगा सो ड्राइवर इज रेडी। पैसेंजर्स का बैठना बाकी है। बस निकल रहे अपन ट्रिप पे। आज शायद बिरयानी खाएंगे हम। यही है यहाँ का हाल भाई। ये बैंगलोर बनता जा रहा है धीरे धीरे हैदराबाद। तो काट दिल रे। मैं हेलो वर्ड लिखना सीख लिया। मैं भी ज्वाइन अभी अमेजोन में ज्वाइन करूंगा। किधर गया अमेजोन? किधर है? किधर है? उधर उधर उधर। अच्छा पीछे है, पीछे है। ये रहा ओम का फ्यूचर ऑफिस। यस वैसे ये वी आर बैक अगेन। यार यहाँ पे घूमने का मजा क्यों आता है पता है? संडेस को यहाँ पे सुपर कास्ट दिखते अच्छे अच्छे। तो आ गए हम फिर से घूमने के लिए। वैसे आई गेस ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा काम कर रहा है एंड मतलब तो हम हो रहे हैं यार। एंड नेक्स्ट अपन जाएंगे शायद क्या खाने? बिरयानी। ये खाना खाने आए थे लेकिन एसी में बैठ के खाने के लिए डेढ़ घंटे का वेटिंग है। नॉन एसी में एक घंटे का वेटिंग। एंड यार इतना भीड़ है वहाँ पे। वो लोग खुद ही भगा रहे हैं जाओ डेढ़ घंटे का वेटिंग, एक घंटे का वेटिंग। सो हम लोग आए फाइनली वही बावर्ची के टेक अवे वाले सेक्शन में। मेरे मामा लोग गए पार्सल लाने के लिए एंड मैं तो भाई ड्राइवर इंसान हूँ। पुलिस वुलिस आए तो गाड़ी भगाने के लिए ऑलवेज रेडी। पीस 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 पीस। नहीं भूख लगी थी क्या? और रहा नहीं जा रहा। ये है बिरयानी। ये बस एक ही फैमिली पैक है, दूसरा यहाँ पे है। ओए मजदूर। इवनिंग हो रही है एंड वी आर नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल वर्कआउट रूटीन। वैसे बारिश होने वाली है क्या? हाँ यार क्लाउडी क्लियर, क्लाउडी क्लियर। अजीब वेदर है। बारिश भी हो रही है दूर में। बट ये है हमारा जिम खाना। ये सीढ़ियाँ, यहाँ पे हम पुलअप्स करेंगे। टूट ना जाए बस। ओए चालू हो गया। देखो व्यू भी अच्छा खासा है यार। सनसेट होने वाला है लेकिन ये मस्त है। पीछे क्लियर है, यहाँ क्लाउडी बारिश क्लियर, क्लाउडी बारिश भी हो रही है थोड़ी। चलो वर्कआउट सेशन चालू करते हैं। यार वर्कआउट रूटीन करते करते ये बारिश वहाँ जोर की हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। एंड ऑफ द डे हम आ गए किस्मत जेल मंडी में। वैसे आज जेल में तो नहीं है हम हैं। अभी तंबू में अपन। ये जेल मंडी में
मतलब अगर जेल से हम फरार हो गए तो छुपेंगे तंबू में ही ना, तो तंबू मंडी खाने हैं आज। सो ये है आज का खाना जिसे हम खत्म करने वाले हैं 5 लोग। क्या रे खाएगा? टूट पड़ो। दिस इज द कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट जिसमें जेल मंडी। सो ये रहा आज का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेल्फी। वेलकम बैक गाइस, इट्स ऑलरेडी 10:54 PM एंड अभी तक हम रूम नहीं गए ना ही घर गए, सो वैसे आज लेट होने वाला है। एंड द प्रॉब्लम इज, आज प्रॉब्लम तो नहीं है, बस मामा को छोड़ने आए थे एंड सो दैट्स व्हाई आज बहुत टाइम लग रहा है। बट हमने बुक पढ़ना नहीं छोड़ा, वैसे आई डिडंट हैव द बुक टुडे, सो जब भी मेरे को टाइम मिला आई हैड द PDF इन माय फोन एंड मैंने पढ़ लिया। सो आज का चैप्टर क्या कहता है मैं इसको बताने के लिए एक एग्जांपल दूंगा आपको। सो बेसिकली एक शोरूम होता है, सो सेकेंड हैंड कार डीलर होता है जो कि लग्जरी कार्स का होता है। एंड सो स्टोरी है अबाउट 2 पीपल। सो द फर्स्ट पर्सन इज जिसके कपड़े ठीक ठाक नहीं होते, जो कि मतलब थोड़ा सा पोअर दिखता है, मतलब कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, वैसे दैट्स नॉट द मोरल ऑफ द स्टोरी बट आई गेट बैक टू इट। सो बेसिकली वो बंदा जाता है, उसको एक रोल्स रॉयस पसंद आती है एंड जो एक सेल्समैन होता है वहाँ पे वो काफ़ी रूड होता है उसके साथ, वो बोलता है यार ये खरीद ही नहीं सकता तो इसको क्यों दिखाएगा। बट और एक सेल्स पर्सन होता है जो कि उसको वो कार दिखाना चाहता है, बट दूसरा सेल्स पर्सन जो एरोगेंट है वो क्या करता है, उस बंदे को जैसे तैसे करके भगा देता है। एंड एक और बंदा आता है सूट बूट में, तो बेसिकली वो उस बंदे को कार दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है बिकॉज वो सूट बूट में होता है। एंड दूसरा बंदा फटे कपड़े पहने रहता है, पुराने कपड़े पहने रहता है। सो बेसिकली वो जज करता है लोगों को उनके क्लोथिंग सेंस पे। सो फिर क्या होता है पता है, जब बिलिंग के लिए जाते हैं, सूट बूट वाला बंदा बोलता है चलो मैं ये कार खरीदने वाला हूँ, एंड जब बिलिंग के लिए जाते हैं सो उसका कार्ड बार बार डिक्लाइन होता है एंड पता चलता है कि यार उसके कार्ड में तो पैसे ही नहीं है, बस उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं एंड सार सब कुछ उसका ब्रांडेड होता है लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते। whereas the other person जो होता है एंड उसको हेल्प करती है वो दूसरी वाली सेल्स को। लाइट ही बंद हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो दूसरी जो सेल्स पर्सन होती है वो उसकी मदद करती है एंड इन द एंड क्या होता है, जो बंदा खराब कपड़ों में होता है वो बहुत अमीर होता है, बेसिकली ही इज अ बिजनेस टाइकून बट उसको सिंपल लिविंग पसंद है। एंड फाइनली ही परचेजेस द कार विद फुल कैश एंड जो सेल्स पर्सन उसकी मदद करता है जो कि हम्बल होता है उसको अच्छा खासा बोनस देता है एंड वो उसका रिकमेंडेशन भी देता है ओनर, क्योंकि उसका जो वो शोरूम का जो ओनर होता है वो उस पर्सन का जिगरी होता है। सो बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज द मोर यू शो योर वेल्थ द लेस मनी यू हैव इन द अकाउंट। सो इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जब हाथ में लोग क्या होते हैं, मतलब थोड़े बहुत हाथ में पैसा आने के बाद भाई ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, 1 लाख आ गए अकाउंट में एयर जॉर्डन खरीद लेंगे भाई, एयरपोर्ट प्रो खरीद लेंगे भाई, एप्पल का आईफोन ले लेंगे, 1 लाख खत्म भाई, वैसे ही खत्म। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो 1 लाख रुपए ना इधर वो बैंक अकाउंट में रखे रहते हैं, सिंपल लिविंग जीते हैं या फिर उसको लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 1 लाख रुपए उन्होंने लैंड पे इन्वेस्ट कर दिए, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए एंड उसके पास उनके पास अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे हैं बट इन हैंड उतने पैसे नहीं है ना ही वो शो करना चाहते कि उनके पास पैसे हैं। सो दे मेंटेन अ सिंपल लिविंग एंड उनके सिंपल लिविंग को देख के ना लोगों को पता नहीं चलता उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। सो बेसिकली वी कैन जज पीपल द वे दे लुक। सो आज का चैप्टर यही था, तो हमको ना वाइजली स्पेंड करना चाहिए लिटरली। सो एक पर्सन का अपीयरेंस नहीं बताता कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। सो दैट वाज द चैप्टर टुडे एंड वैसे आई एम एंडिंग दिस वीडियो टुडे एंड आज का जो सेल्फी है ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो भी मैं डाल देता हूँ। आई गेस आप देख ही चुके हो, डाल चुका हूँ मैं राइट इसके पहले वाले स्नैप में।
सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कल से अपन स्टोरी वाला सीरीज फिर से चालू कर रहे हैं एंड विल कम अप विथ न्यू स्टोरीज एंड ट्रू स्टोरीज होंगे यार 100%. सो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए एंड यार 7 days पूरे कर लिए डेली व्लॉग्स अभी एंड आगे भी करेंगे. आई होप कि अपना जो 75 days वाला चैलेंज हो एंड आखिर में कुछ अच्छा ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा. आई नो बिकॉज मेहनत कर रहे हैं. सो एज इट्स टू लेट आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.